हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं भगवान से दुआ करूंगी, माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनाती किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं बच्चों लोग के लिए बना रही हूँ मूली का पराठा, क्योंकि आलू का पराठा से ज़्यादा इन लोगों को मूली का पराठा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बोले कि मम्मी एक एक बस मूली का पराठा बना देना और थोड़ा सा घर पे खा लेंगे। तो मैं वहाँ मूली का पराठा बनाई, थोड़ा ड्राई फ्रूट रख दी, थोड़ा सा बिस्किट रख दी और इसके बाद बच्चे लोग चले गए। इसके बाद फिर मैं बनाई ब्रेकफास्ट घर के लिए, जैसे कि मम्मी हैं, ये हैं, हम हैं, तो अपने लिए हम लोग बना लिए। इसके बाद हम आ गए हैं आज अपने बेडरूम का सफाई करने। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए। मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं बहुत सारा आइडिया, बहुत सारा टिप्स ब्लॉग शेयर करती हूँ तो करूँगी ही, तो आपके लिए ज़रूर मतलब कि काम लायक होगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए करते हैं घर की सफाई, मतलब पूरा डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि दिवाली ही ऐसा है जो कि डीप क्लीन हो पाता है। मेरा घर बहुत बड़ा है, मैं सारे रूम का तो नहीं दिखा पाई, लेकिन हाँ ज़रूर शेयर की हूँ बहुत सारा, किचन का डीप क्लीन, इसके बाद डाइनिंग एरिया का, मतलब मैंने बहुत शेयर किया है सफाई। तो आप लोग नहीं देखे हैं ब्लॉग तो जाके देख लीजिए। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में सफाई करने, जैसे बेडरूम का। तो मैं पूरा ऊपर से नीचे कवर्ड बहुत सारा है, तो कवर्ड एक एक सामान निकाल के उसको झाड़ के पोछ के फिर ये सब सामान अच्छे से पोछ पोछ के रखूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ ये काम नहीं हो पाता है। और दिवाली में ही मैं पूरा अच्छे से डीप क्लीन कर लेती हूँ और दिवाली के चलते थकान भी नहीं लगता है कि हाँ मतलब ये करना है, कर दिमाग में बैठ जाता है। और मेरे रूम की हालत एकदम मतलब इतना डेंजर हुआ था, मतलब तो प्लास्टिक को मैंने फेंक आया सामान, जो भी मतलब लगता है ना कि हाँ ये सब सामान फेंकना चाहिए हमको, तो सब सामान मैंने फेंक दिया। और इधर जो कोने में ये सब लगा था, इस पर सब सामान हटा के सब टेडी बियर मैंने धो दिया है। और जब रूम साफ़ हो जाएगा तो फिर मैं रखूँगी। और हर जगह का क्लीन हो गया, साफ़ हो गया। अब ये जो ग्रिल है, तो ग्रिल को मैं अच्छे से पाइप लगा के, देखिए अच्छे से धो रही हूँ, जो भी धूल जमा होगा तो सब निकल जाएगा, क्योंकि पोछने से भी उतना साफ़ नहीं होता है, इतना फ्रेश नहीं हो पाता है, इसलिए मैं पाइप लगा के धो देती हूँ कि अच्छे से थोड़ा सा क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए। तो वही कर रही हूँ। और बीच में बच्चे लोग भी स्कूल से आ गए हैं, बहुत तंग कर रहे हैं आके। तो ग्रिल को मैंने साफ़ कर लिया, इसके बाद ये जो लगा है कवर्ड और इसके ऊपर जो प्लाई लगा है, इसको भी अच्छे से पोंछ देते हैं, जो कि धूल उल उड़ के आया होगा, चिपका होगा, तो इसको हम पोंछ देंगे अच्छे से पूरा। और शीशा भी मैंने कुलीन से अच्छे से पोंछ लिया है। मेरे रूम में तीन बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े खिड़की हैं, तो उसको उसका शीशा सब पोंछना था। और ये देखिए सफाई के बाद मेरा रूम कितना सुंदर लगता है, कितना मन फ्रेश हो जाता है एकदम, मतलब सफाई होता है तो लगता है कि हाँ अब ठीक है। मैंने अच्छे से एकदम बिल्कुल रगड़ के चमका दिया है रूम को और मैंने क्लीन कर लिया है। बाकी एक्स्ट्रा एक दो सामान है जो पड़ा हुआ है, उसको रखना है, अभी रखे नहीं हैं, उसको भी एक जगह रखेंगे, क्योंकि कहीं कहीं का सामान अभी सूखा भी नहीं है और थकान भी है थोड़ा सा। तो अब सोच रही हूँ कि अपना एडजस्ट करूँगी और रखूँगी सब सामान हटा के। इस बेड पे ही मैंने सारा सामान ला के रख दिया है।
सारा सफाई कर लिया है और सफाई करते करते 3:30 बज चुका है। ये देखिए साढ़े तीन हो रहा है, तो जल्दी जल्दी मैं शैम्पू करके नहाई, इसके बाद जल्दी से खाना बनाई दोपहर का लंच, क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट बना के लगी थी सफाई करने में। तो फ्रेंड्स देखिए रात का टाइम हो रहा है, 8 या 8 बज रहा होगा, क्योंकि मैं किचन में लगी थी, मैं खाना बना रही थी। ये देखिए इन लोगों नौटंकी कितना, ये भूत बन के पता नहीं क्या बन के ये लोग खेल रहा था, ये कौन लोग खेल, और यहाँ पे लोग शरबत बनाया था जूस, और चिप्स मैं तल के दी थी खाने के लिए, तो ये लोग पार्टी कर रहा है इसी में और अपना खेलते रहता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चे बीच बीच में करते रहते हैं थोड़ा सा मौज मस्ती, तो इस तरीके से ये लोग, मुझे पता भी नहीं चला। मैं देखी कि मेरे मोबाइल उठाई एडिट करने के लिए, तो मैं देखी एक ऐसा वीडियो, फिर मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया इसको भी कि आप लोग भी देख लीजिए कि ये लोग क्या करते हैं। इतने बदमाश हैं मेरे बच्चे, इतने कि मैं माथा पकड़ लेती हूँ कभी कभी तो। और इसके बाद फिर रात में भी बना आलू का पराठा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमेशा ये लोग बोलते हैं मम्मी चैलेंज करेंगे चैलेंज करेंगे, तो मैं चैलेंज वीडियो भी लाऊंगी, लेकिन उसके लिए आप लोग को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी मैं लेके आऊँगी अच्छा अच्छा टिप्स किचन का और रूम का। और जल्दी ही मैं आपको रूम टूर कराने वाली हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।